दोस्तों पूरी दुनिया में 5G की धूम मची हुई, हर कंट्री 5G के अंदर किंग बनना चाहता है, 5G नेटवर्क को लाना चाहता है और भारत भी सबसे पहले दोस्तों 5G लाने की प्लानिंग में था। 2020 के दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में बात चल रही थी कि यहाँ पे मार्च तक दोस्तों इस महीने तक यहाँ पे 5G की ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी और ऑक्शन हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन वैसा दोस्तों होते हुए नजर नहीं आ रहा है। DoT का दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आया जहां पे सितंबर क्वार्टर के अंदर दोस्तों हो सकता है 5G के यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्शन हो। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्यों 5G की लॉन्च डिले हिंदुस्तान में होने वाली, क्या इसका कारण कोरोना वायरस है, क्या इसका कारण AGR न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल दोस्तों हालत खराब है, सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज पे AGR की मार यहां पे बड़ी हुई है। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में अगर देखा जाए दोस्तों एक वायरस का भी इफेक्ट पड़ रहा है जो है दोस्तों कोरोना वायरस। इसके हिसाब से चाइनीज वेंडर्स और साउथ कोरियन वेंडर्स अभी काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, वहां पे बिजनेस ठप है। लेकिन दोस्तों DoT की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आई कि 5G हो सकता है ऑक्शन उसका डिले हो जाए। यस दोस्तों 5G के बारे में बात चल रही थी कि पूरी दुनिया में दोस्तों 5G आ चुका है, हिंदुस्तान में कब आएगा। हिंदुस्तान में बात चल रही थी कि जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ही टेस्टिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। सारी की सारी कंपनी ने अपने अपने गियर मैन्युफैक्चरर्स भी दोस्तों चूज कर लिए थे। उसके बाद दोस्तों अभी तक फिलहाल टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जियो दोस्तों सामने से आया था, जियो ने बोला था कि हमने खुद की इन हाउस 5G टेक्नोलॉजी को यहां पे डेवलप किया जिसको हम यहां पे रन करना चाहते हैं। उसके बाद जो गियर मैन्युफैक्चरर है वो हम यहां पे सैमसंग के अलावा दूसरी कंपनीज को भी यहां पे टाई अप करेंगे, जैसे कि Huawei हो गया, सोनी का दोस्तों यहां पे एरिक्सन हो गया, उसके साथ-साथ दोस्तों यहां पे नोकिया हो गया, ZTE हो गया, इन सभी के साथ हम यहां पे पार्टनरशिप करेंगे गियर्स में। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस तरह की कोई अपडेट नहीं है कि यहां पे चालू हो गया, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा दोस्तों जो 5G का ऑक्शन था, या दोस्तों 5G का जो ऑक्शन था जो होने वाला था मार्च के बाद तुरंत, वो दोस्तों फिलहाल यहां पे सितंबर क्वार्टर तक टल चुका है। DoT दोस्तों यहां पे जो है उसको टाल देगा, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट यहां पे आ रही है कि अभी फिलहाल कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बात करें दोस्तों AGR के मामले के अंदर जो 90,000 करोड़ का झटका खास करके वोडाफोन आइडिया एयरटेल को लगा है, उसके बाद दोनों ही कंपनी दोस्तों इसमें इंटरेस्टेड यहां पे नहीं है। वोडाफोन ने दोस्तों क्लियर कर दिया कि हम अभी फिलहाल जो हमारा 53,000 करोड़ का यहां पे AGR है उसको चुकाएं, आपके यहां पे 5G के अंदर ऑक्शन में भाग ले तो वो पॉसिबल नहीं है। भारतीय एयरटेल ने दोस्तों ये जो ऑप्शन इसको स्किप करने का ही सोचा है। सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जिस पे AGR का ड्यूज भी नहीं है और इसके पॉकेट्स भी डीप है, वो है Jio, जो कुछ यहां पे 5G खरीद सकती है, 5G का स्पेक्ट्रम यहां पे ले सकती है। फ्रेंड्स तो यहां पे फिलहाल तो ये कर दिया है DoT, सितंबर क्वार्टर में दोस्तों 5G की यहां पे लॉन्चिंग हो सकती है, उसका स्पेक्ट्रम की दोस्तों नीलामी यहां पे हो सकती है। दोस्तों जो DoT उसकी यहां पे कैलकुलेशन थी कि हम यहां पे अच्छा खासा पैसा नहीं 5.25 लाख करोड़ दोस्तों स्पेक्ट्रम की नीलामी से कमाएंगे। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा बिक जाता है, बात की जा रही दोस्तों 8,303 मेगाहर्ट्ज की दोस्तों 4G और 5G के स्पेक्ट्रम जो थे इसकी सेल करने की प्लानिंग थी, अगर ये टोटल अगर सेल हो जाता तो ऑलमोस्ट 5.25 लाख करोड़ का दोस्तों सरकार को यहां पे मुनाफा होता। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पहले तो दो कंपनियों ने यहां पे ना कर दिया, यहां पे भारतीय एयरटेल ने क्लियर ना कर दिया हम स्किप करेंगे क्योंकि भी हमारे अलग टाइट है। उसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया की तो हालत आप सभी जानते हैं, AGR के हिसाब से दोस्तों उसके तो अस्तित्व पर भी सवाल लगा हुआ कि रहेगी या चली जाएगी। Jio है दोस्तों एक इकलौती कंपनी जो पॉसिबली यहां पे कुछ स्पेक्ट्रम खरीद सकती है, लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज बता दीजिए, 5G की जो प्राइसिंग है इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से। यहां पे दोस्तों भारतीय एयरटेल की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, उन दोनों ने बोल दिया था कि 5G जो है दोस्तों स्पेक्ट्रम वो हाई प्राइस है, यहां पे ज्यादा है, और रिलायंस Jio भी जो होगा दोस्तों कुछ ही यहां पे 5G परचेस करेगा। हालांकि रिलायंस Jio ने दोस्तों अभी फिलहाल यहां पे रिलायंस कम्युनिकेशन में से दोस्तों 800 मेगाहर्ट्ज का दोस्तों यहां पे परचेस किया है जो अगस्त 2021 तक यहां पे चलने वाला है। तो इस सारी की सारी कैलकुलेशन यहां पे चल रही है, इसका मतलब 5G ऑक्शन जो होगा दोस्तों स्पेक्ट्रम का वो सितंबर तक यहां पे डिले हो जाएगा, हो सकता है दोस्तों उससे भी ज्यादा डिले हो जाए, क्योंकि फिलहाल कंपनियों की हालत माली फाइनेंशियली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो 5G जैसे इतने महंगे दोस्तों ऑक्शन के अंदर यहां पे भाग ले। वोडाफोन आइडिया एयरटेल की बिना दोस्तों ये ऑक्शन सक्सेस नहीं जाएगा, सरकार को जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ ही समथिंग सरकार यहां पे कमा सकती है, कहां 5.25 लाख करोड़ की सरकार को इनकम की आशा थी, लेकिन वो 40,000 करोड़ तक ही दोस्तों आएगा। इसका मतलब इसको डिले करना ही एक अच्छी बात होगी, जहां पे इसको डिले किया जाएगा हो सकता है 2020 में तो आपको 5G के दर्शन ना हो, 2021 की शुरुआत में या नेक्स्ट क्वार्टर में दोस्तों सेकंड क्वार्टर में आपको डेफिनेटली यहां पे 5G देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर फिलहाल 5G एक दूर की कोड़ी है, क्योंकि यहां पे AGR वाले मामले के हिसाब से टेलीकॉम कंपनीज की हालत बिल्कुल टाइट है और वो 5G के स्पेक्ट्रम की बोली में नहीं जाने वाली, भाग नहीं लेने वाली। सिर्फ Jio के हिसाब से दोस्तों 5G कितना आएगा, वो कितना परचेस करेगा तो देखने वाली बात है, लेकिन सरकार दोस्तों हो सकता है इसको और आगे डिले करें और 5G फिलहाल एक दूर की कोड़ी है जो इंडिया में फिलहाल 2020 में तो आपको देखने को नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी अपडेट, 5G
5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सरकार है दोस्तों 5G ऑक्शन को यहां पे सितंबर क्वार्टर तक एक्सटेंड करने वाली है। उसके बाद भी हो सकता है नई डेट आ जाए जब तक सारी की सारी कंपनियां फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए और 5G के अंदर बोली ना लगाए, क्योंकि सरकार को भी दोस्तों इससे इनकम करनी है। अगर इनकम नहीं होगी तो कुछ ही किसी काम की नहीं है बोली। तो प्लीज मुझे बताइए दोस्तों कि 5G अगर जल्दी लॉन्च होता तो उससे क्या फायदा होगा, अगर डिले होता तो उससे क्या होगा, मुझे प्लीज बताना दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्दी करनी चाहिए, 5G इंडिया में कब तक आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और यह भी बताना कि पूरी दुनिया में जो 5G के प्लान है वो 1300 से 1500 रुपए पर मंथ है, तो आप क्या चाहते हैं कि इंडिया में 5G के प्लान क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने मंथली आप अफोर्ड कर सकेंगे, कितना होना चाहिए मंथली, नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। सॉरी वीडियो का अच्छा लगाओ इन्फॉर्मेटिव लगाओ एक थम्स अप तो दे ही देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।